पेट में कीड़ों की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे योग मुद्रासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासन में बैठ जाना है, फिर अपने एक हथेली के ऊपर से दूसरी हथेली को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लेना है, फिर लंबी गहरी सांस अंदर भरनी है और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाना है। अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए, 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखेंगे। धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस योग मुद्रासन को आप 4 से 5 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस करें। दोस्तों, पेट में कीड़े या कृमि के होने से पेट में बहुत ही अधिक असहनीय दर्द होता है और पेट में सूजन आ जाती है। इस कारण हमारी पूरी दिनचर्या प्रभावित होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे धनुरासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाना है। ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने पैर के टखने को ऐसे पकड़ लेते हैं। लंबी गहरी सांस अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की मालिश होती है और पेट में सूजन, गैस जैसी सभी समस्याएं दूर होती हैं। कुछ देर इसी स्थिति में रहिए, 30 सेकंड ऐसे ही मेंटेन करके रखेंगे। इसे करने से पेट में कीड़े की समस्या दूर होती है और हमारी एब्डोमिनल मसल्स काफी स्ट्रांग बनती है। नॉर्मल ब्रीदिंग या फिर सांस को रोक कर रखें, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस धनुरासन को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोनों पैरों को ऐसे घुटने से मोड़ लेते हैं, अपने दोनों हाथों से अपने पैर के टखने को ऐसे पकड़ लेते हैं। लंबी गहरी सांस अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही मेंटेन करके रखे हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। अनियमित खान पान के कारण और जिन लोगों का इम्यून सिस्टम काफी कमजोर होता है, उन लोगों के भी पेट में कीड़े होने की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे कि हमें बहुत अधिक कष्ट होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे नौकासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाना है। ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। फिर सांस अंदर भरते हुए अपने पैरों को और अपने हाथों को एक साथ ऊपर को ऐसे उठाते हैं, ऐसे उठाते हैं और 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। अगर आपको ऐसे अपने शरीर को होल्ड करने में दिक्कत हो रही हो तो आप अपने दोनों पैरों, अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने हिप्स पर रखना है। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड, फिर 2 मिनट तक ऐसे ही मेंटेन करके रखें। इस अभ्यास को करने से हमारा इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी स्ट्रांग बनती है और पेट में कीड़े कृमि का होने वाली समस्या दूर होती है। नॉर्मल ब्रीदिंग। हमारे पेट के अंगों की मालिश और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स काफी स्ट्रांग बनते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस नौकासन को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। करेंगे मत्स्यासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे दंडासन यानी कि स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास और लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे पद्मासन की पोजिशन में आ जाते हैं। फिर आपने धीरे धीरे ऐसे पीछे को ऐसे लेट जाना है, ऐसे पीछे को ऐसे लेट जाना है और अपने सिर को ऐसे मोड़ लीजिए और अपने दोनों हाथों को अपने नाभि केंद्र पर या फिर अपने पैर के अंगूठों को ऐसे ऐसे पकड़ लेते हैं और अपनी कोहनियों को ऐसे जमीन पर स्पर्श करते हैं। आपके घुटने जमीन को स्पर्श करें। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें।
इन अभ्यासों को बच्चों, युवाओं और सभी वर्ग के व्यक्तियों ने प्रैक्टिस करना चाहिए। नॉर्मल ब्रीदिंग, फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस मत्स्यासन को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस करें।